हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुजराती डिश यानी थेपला। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है बाउल। बाउल के अंदर डालेंगे हम आटा। तो ये मैंने गेहूं का आटा लिया है। इस कप से मैं 1.5 कप लूंगी। तो ये 1 कप मैंने डाल दिया है, ये 1/2 कप। और फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर बेसन। तो ये मैंने 1/3 कप लिया है। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर सारे मसाले। तो सबसे पहले ये मैं मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। तो ये मैंने 1 चम्मच लिया है, आपके अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद लिया है मैंने ये हल्दी पाउडर। तो ये मैंने 1/2 छोटी चम्मच लिया है। फिर उसके बाद डालेंगे हम जीरा। तो ये भी मैंने 1/2 छोटी चम्मच लिया है। नमक मैंने 1 चम्मच लिया है। नमक भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिए मैंने कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी को हम हाथ में क्रश करके डालेंगे। तो इस तरीके से आप ले ले और क्रश करके डाल दें। आप चाहें तो हरी वाली मेथी भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इन सारी चीजों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। उसके बाद हम डालेंगे ऑयल। तो ऑयल मैंने 2 चम्मच लिया है, छोटी वाली। ऑयल से क्या होगा, एक मोहन होगा और ये सॉफ्ट बनेगा। तो इस तरीके से हम इसको पहले मिला देंगे, यानी कि अच्छे से हमें पहले ऑयल मिलाना है। ऑयल मैंने इसके अंदर अच्छे से मिला लिया, थोड़ा थोड़ा पानी लेके, जिस तरीके से हम डो बनाते यानी कि रोटी बनाने के लिए, उस तरीके से इसका डो बना लेंगे। यानी हम आटा गूंद लेंगे जैसा हम रोटियों के लिए गूंदते हैं। तो इसका डो मैंने गूंद दिया है। अब इस क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर चारों तरफ हम इसका ऑयल लगा देंगे। यानी ऑयल चारों तरफ अच्छे से लग जाए। तो ऑयल चारों तरफ अच्छे से लग गया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। तो अब इसका ढक्कन हटा के देखते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, तो आटा हमारा काफी अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इसके अंदर से एक बॉल लेते हैं, यानी कि बहुत छोटी सी बॉल लेनी है, ज्यादा बड़ी नहीं लेनी, यानी नींबू के साइज की। और इस तरीके से गोल कर लेना है उसको और उसके ऊपर सूखा आटा लगा लेना है, यानी कि इससे बड़ी हमें बॉल नहीं लेनी। तो ये मैंने चकला ले लिया, चकले के ऊपर ये बॉल रख देती हूँ, यानी इसके ऊपर मैंने आटा लगा दिया है। और अब इसको बेलना है, यानी बिल्कुल हमें इसको पतला बेलना है, यानी मोटी नहीं होनी चाहिए, यानी रोटी से भी पतली, पूरी से भी पतली ये थेपले बनते हैं। तो आप इस तरीके से इसको बेल बेल के गोल कर ले। तो इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे, यानी घुमा घुमा के। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने बेली है, आप बड़ा छोटा किसी भी हिसाब से बेल सकते हैं। और ये देखिए इतना पतला होना चाहिए, इसकी थिकनेस बिल्कुल पतली होनी चाहिए, ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैं आपको एक और बेल के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से फिर मैंने बॉल ले ली है और आटा लगा लिया है। अब इसको फिर हमें बेलना है, यानी उसी तरीके से जैसे मैंने पहली वाली बेली थी, बस घुमा घुमा के बेलते जाएं। जब आपको लगे कि ये हल्का सा चिपक रहा है तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें, और नहीं तो आप इसी तरीके से इसको बेलते जाएं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको भी बेल लिया है और इसकी भी थिकनेस इतनी ही रखी है, यानी कि ज्यादा मोटी नहीं रखनी। तो मैं इसी तरीके से अपने सारे थेपले बना लूंगी। तो ये ले लिया मैंने तवा, तवे को मैंने प्रीहीट कर लिया है। अब इसके ऊपर लगा देंगे हम ऑयल। ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, आप चम्मच से, ब्रश से, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। फिर उसके बाद डाल देंगे हम थेपला। तो इस तरीके से आप लें और इसके ऊपर डाल दें, और जब तक ना पलटे जब तक ये नीचे से ना सिक जाए। नीचे से ये सिक चुका है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बबल्स आ गए इस तरीके से। तो ये नीचे से सिक गया है। तो इस तरीके से अब इसके ऊपर भी ऑयल लगा देंगे, यानी कि अब मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, चम्मच से या ब्रश से, आप दोनों तरफ से लगा सकते हैं। और इसको हम पलट देंगे और इसी तरीके से सेकेंगे जब तक कि ये अच्छे से सिक ना जाए। तो आप हल्का हल्का इस तरीके से इसको दबा दें। अब इसको हम पलट के देखेंगे, तो आप देख सकते हैं नीचे से भी अच्छी तरीके से सिक गया है। तो अब मैं इसको हटा दूंगी और इसी तरीके से और अपने थेपले सेक लूंगी। तो फ्रेंड्स, हमारे थेपले बनके बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने मिर्ची के साथ सर्व किया है। आप चाहे आम के अचार के साथ या नींबू के अचार के साथ इसको खा सकते हैं, पर ये मिर्ची के अचार के साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। ये गुजरात की यूनिक डिश है। अगर आपको मेरे थेपले की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और अपने फ्रेंड और अपनी फैमिली के साथ शेयर जरूर करें।